विशेष धम्म देशना, हमारा धम्म पद की जो सीरियल है वो खत्म होने को आई है। एक दो दिन में ही वो खत्म हो जाएगी, कुछ दिन पहले से वो खत्म होने आई है, लेकिन हम उसे एक विशेष अवसर पर ही समाप्त करेंगे। आज विशेष धम्म देशना, आज दिनांक 8 मई 2021। विशेष धम्म देशना, ये जो दानानुमोदन पर के जो दान दिया जाता है, जो त्याग किया जाता है, सेवा कार्य किया जाता है, ये सेवा कार्य का जो अनुमोदन करते हैं, जो उसका समर्थन करते हैं, वो बड़े पुण्य के भागी होते हैं, बड़े कुशल संखार और पुण्य को वो संपादित करते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति ने, प्रज्ञावान व्यक्ति ने हमेशा कुशल कार्यों का अनुमोदन करना चाहिए, कुशल कार्य को साधुवाद देना चाहिए। कैसे हम उसे अनुमोदन करें? जो भी कार्य लोगों के हित के लिए हो रहा है, लोगों को सुख शांति देने के लिए हो रहा है, लोगों का कल्याण जिसमें समाया हुआ है, लाभ लोगों का जिस कार्य से, जिस प्रोजेक्ट से और जिस कामों से दूसरों का लाभ होता है, सभी का लाभ होता है, ऐसे कार्य को प्रज्ञावान आदमी, बुद्धिमान आदमी हमेशा उन्होंने अनुमोदन करना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए कि मैं भी आपके साथ हूं। यदि वो कार्य, कुशल कार्य वो नहीं कर सके, कोई एखादा व्यक्ति बड़ा दान देता है, तो वो तो दान दे रहा, मैं उतना दान नहीं दे सकता, उतनी दान देने की क्षमता मुझ में नहीं है, तो क्या करूं? यदि मुझ में वो क्षमता नहीं है, कोई हर्जा नहीं, जो भी क्षमता हो, वो दे रहा 5 लाख रुपया, मुझ में क्षमता है 500 देने की, तो 500 भी दे दो। मुझे क्षमता है 100 रुपये देने की, तो 100 रुपये ही दे दो। अच्छे कामों में जो देना है, ये बड़ा कल्याणकारी होता है। वो 5 लाख दे रहा, उसकी ईर्ष्या नहीं, उसकी निंदा भी नहीं, प्रसन्नता से उसको अनुमोदन करो कि आपने जो अच्छा काम किया है, जो अच्छे काम के लिए आप मदद कर रहे हो, दे रहे हो, साधुवाद आपको, मंगल हो आपका, कल्याण हो आपका। तो यह अनुमोदन यदि हम उसके उस कुशल कार्य पर, दान कार्य पर करते हैं, तो हम भी उस दान के भागी बन जाते हैं, क्योंकि वो तो मैत्री भावना से करता है। जिसने बड़ा दान दिया, वो सभी के कल्याण के लिए दिया, हित के, सुख के लिए दिया, यह भावना उसके मन में होती है। और इसीलिए यदि हम भी उसके उस दान का अनुमोदन करते हैं, तो उसके उस मैत्री के हम भागी बन जाते हैं, देने वाले के भी हम भागी बन जाते हैं, देने वाले ने जो दिया उसके भी हम थोड़े हिस्सेदार बन गए, अनुमोदन करके भागी बन गए, और जिन्होंने लिया, लेकर जो अच्छा काम कर रहा, लेने वाला भी मंगल मैत्री करता है, पुण्य देता है, तो उसके भी हम
भागी बन जाते हैं। इसलिए कुशल कार्य हमेशा कुशल कार्य करने का बुद्धिमान आदमी ने प्रयास करना चाहिए कि मेरे हाथों से हमेशा कुशल कार्य होता रहे, पुण्य कार्य होता रहे। वाणी से भी मैं अच्छा बोलूं, मेरे वाणी से भी मैं पुण्य कर सकता हूं, मेरे शरीर के द्वारा मैं पुण्य कार्य कर सकता हूं, यानी परिश्रम के कार्य, सेवा के कार्य, त्याग के कार्य, पुण्य कार्य सद्भावना से। तो शरीर से भी हम पुण्य कर सकते हैं। मान लो मैंने किसी विहार में जाकर झाड़ू लगा दिया, स्वयं झाड़ू हाथ पे पकड़ा और मैं उस विहार को झाड़ू लगा रहा हूं, साफ सुथरा कर रहा हूं, ये भी त्याग हुआ, सेवा हुई, पुण्य किया आपने। उस विहार में जाकर, किसी विहार में जाकर वहां जो पेड़ पौधे है उसको मैंने पानी डाल दिया है, तो पुण्य कार्य हुआ मेरे हाथों से, कुशल कार्य हुआ मेरे हाथों से। यहां पैसे देने की जरूरत नहीं, लेकिन सेवा जो मैं कर रहा हूं सद्भावना से, तो पुण्य कार्य हुआ, कुशल कार्य हुआ। तो ऐसे कुशल कार्य केवल पैसों से ही किए जाते ऐसी बात नहीं है, पैसों से भी किए जाते हैं। उसी प्रकार वो वाणी से भी किए जाते हैं। अच्छी बात बोलते रहो, अच्छा बोलो, मंगल मैत्री करो, अच्छी वाणी का उपयोग करो, बुरी शब्द अपने वाणी से अपनी जिह्वा पर आने ना दो, गाली गलौज के शब्द अपने वाणी पर आने ना दो, तो कुशल कार्य हो गया ना। लेकिन हमेशा जिसके वाणी पर गाली के शब्द आते रहते हैं, हमेशा गाली, हमेशा जिह्वा पर गाली, हमेशा गाली, तो अकुशल कार्य हो गया ना, पाप कार्य हो गया, बुरा कार्य हो गया। तो इसलिए ऐसे बुरे कार्यों को हमें अनुमोदन नहीं देना है। जो अनुमोदन देता है वो भी बुरे कार्य का भागी बन जाता है, वो भी बुरे कार्य का भागी बन जाता है। जो अकुशल कार्य को, बुरे कार्य को जो सपोर्ट करता है, जो सहारा देता है, तो वो भी उसका भागी बन जाता है। लेकिन जो बुरे कार्यों को सहारा नहीं देता है, उनको सपोर्ट नहीं करता है, तो बुरे कार्य रुक जाते हैं। मेरे द्वारा रुक गए, यदि मेरी नहीं मानकर वो करने वाला करता ही रहे तो वो तो मेरे बस की बात नहीं, लेकिन मैंने तो सपोर्ट नहीं ना किया, मैं तो बच गया हूं ना, तो मेरा कल्याण होगा, मेरा मंगल होगा। लेकिन यदि मैं बुरे कार्य में सपोर्ट करता हूं, उसको बढ़ावा देता हूं, तो मैं भी उसका भागी बन गया, उस पाप का मैं भी हिस्सेदार बन गया। लेकिन सपोर्ट यदि मैंने नहीं दिया, मुझे लगा कि यह काम अच्छा नहीं है, बुरा है, तो बस उससे मैं दूर हो गया, तो मेरे लिए कल्याणकारी है, मेरे परिवार के लिए कल्याणकारी है। उसी प्रकार कुशल कार्य, ये जो कुशल कार्य करते रहते हैं लोग, जहां भी कुशल कार्य होता है, कहीं हम आते हैं, जाते हैं, देखते हैं, जहां भी मंगल कार्य हो रहा, कुशल कार्य हो रहा, सेवा कार्य हो रहा, उसमें हृदय से अनुमोदन देना सीखो। कहीं पर ब्लड का कैंप लगा हुआ है, यदि मैं ब्लड नहीं दे सकता किसी कारण से, तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दे रहे उनको सपोर्ट करो, उनको प्रोत्साहित करो, उस अच्छे कामों को साधुवाद दो, साधुवाद दो। या नहीं ब्लड का दान दे सकते हैं तो कम से कम उस कैंप की सेवा करो, जो भी जरूरी है वो करने का प्रयास करो, तो सेवा कार्य हो गया ना, अच्छे कामों का अनुमोदन आपने किया है ना,
इसी प्रकार जो सद्धम्म का कार्य होता है, सद्धम्म हमेशा लोगों के कल्याण के लिए होता है, सद्धम्म कभी भी लोगों के अहित के लिए, लोगों के दुख के लिए कभी नहीं होता है। सद्धम्म हमेशा 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 लोगों के हित और सुख के लिए ही होता है। इसीलिए हमने सद्धम्म को अनुमोदन देने का प्रयास करना चाहिए, सद्धम्म को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए, उसका प्रचार हो, उसका प्रसार हो, वो बढ़ता रहे, वो विकसित होता रहे, वो वृक्ष बढ़ता रहे। सद्धम्म तो कभी मरता नहीं, उसे लोगों के त्याग से, सेवा से, दान से उसे जगाया जाता है। हमेशा वो कल्याणकारी जो होता है ना, उसे जगाने का लोग प्रयास करते हैं, और जो जो प्रयास करते हैं वो पुण्य के भागी होते हैं, जो अनुमोदन करते हैं वो पुण्य के भागी होते हैं। इसीलिए ये अनुमोदन करने में बहुत बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ा कल्याण है, क्योंकि हृदय से जब हम अनुमोदन कर रहे, जब भी किसी समय आप दान देते हुए लोगों को देखो तो अनुमोदन करो, मेरा भी अनुमोदन है, मेरा भी सहभाग है। मैंने श्रीलंका में देखा कि जब वहाँ पर कभी 400-500 भिक्षुओं को कभी दान दिया जाता है, बहुत बड़ा दान का कार्यक्रम रखा जाता है, तो बहुत सारे लोग जितना भी उसको सहभागी होना हो अपने इच्छा से होते हैं, और पूरी तरह अंत तक वो दान देते समय, दान देने का नियोजन करते वक्त दान देते समय और उसके आखिर तक अनुमोदन दान का करते समय वो लोग बड़े श्रद्धा से वो अनुमोदन करते हैं कि ये जो आप कर रहे हैं ये अच्छाई के लिए कर रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि के विकास के लिए कर रहे हैं। दो प्रकार की दृष्टि होती है, दो प्रकार के रास्ते होते हैं, एक है मिथ्या मार्ग, गलत रास्ता है, और दूसरा है सम्यक मार्ग, अच्छा मार्ग, जिसे तथागत भगवान बुद्ध ने आर्य अष्टांगिक मार्ग में बहुत अच्छी तरह समझा के बताया है। उस पर भी हमारी वीडियो सीडी यूट्यूब पर है, क्या है आर्य अष्टांगिक मार्ग, कैसा बुद्ध ने समझाया, उसे भी आप सुनिए देखिए। तो ऐसे मिथ्या मार्ग को सपोर्ट ना करो, उससे दूर रहने का प्रयास करो, लेकिन जो सम्यक मार्ग है, सच्चा मार्ग है, जो लोगों के हित पर, कल्याण पर आधारित है, उसे हमेशा तन मन धन से, जैसा भी मैं, मेरे शक्ति सामर्थ्य से उसे कुछ सपोर्ट कर सकता हूं करूं, नहीं सपोर्ट करने की मुझ में शक्ति है, कोई हर्जा नहीं, अपने जगह बैठे बैठे भी प्रमोदित चित्त से, मन से भी यदि आपने सपोर्ट कर दिया तो भी बड़ा लाभ पाया आपने, बड़ा लाभ पाया आपने। मान लो एक लंगड़ा व्यक्ति पैर ठीक नहीं है तो पैर से नहीं चल सकता है, एक जगह पर बैठा है, वो देख रहा किसी दूसरे व्यक्ति को कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाए लेकर जा रहा है, तो जब वो अपने कंधे पर उसने उठाया लेकर जा रहा है, ये तो बैठा है, लेकिन दूर से भी बड़ा प्रसन्न होकर साधुवाद देता है उसको कि भाई तुम उस बच्चे को, चाहे तुम्हारा बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो, अपने कंधे पर उठाए ले जा रहे हो ना, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, चाहे मुझे नहीं उठाते कोई बात नहीं, मैं तो बैठा हूं, लेकिन किसी दूसरे को भी तुमने उठाया और दूसरों को उठाकर अपने कंधे पर उसे ले जा रहे हो, अच्छा ही काम कर रहे हो ना। मैं नहीं कर सकता,
मैं लंगड़ा हूं, मैं मेरे कंधे पर नहीं उठा सकता, मैं नहीं चल सकता, लेकिन तुम चलकर जो अपने कंधे पर किसी दुखी व्यक्ति को उठा रहे हो, किसी को सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो, तो मेरा अनुमोदन है तुम्हें। साधु साधु साधु। तो जो काम कर रहा वो तो लाभी हुआ ही, लेकिन जिसने नहीं किया, जो बैठा है एक जगह पर, लेकिन वो भी जब प्रसन्न चित्त से अनुमोदन करता है अच्छे काम का, सपोर्ट करता है अच्छे काम को, अपने हृदय से अपने मन से सपोर्ट करता है, तो उसका वो लाभ ही बन जाता है, पुण्य का लाभ ही बन जाता है, क्योंकि पुण्य क्रिया हो रही, वो देख रहा है, और देखकर वो भी प्रमोदित चित्त से, प्रसन्न चित्त से साधुवाद दे रहा है उसे, तो उसका भागी हो गया। इसीलिए तथागत बुद्ध ने सिखाया कि आप हमेशा कुशल कार्य करने का संकल्प करें, जानबूझकर मेरे हाथ से कुशल कार्य होते रहे, पुण्य कार्य होते रहे, त्याग के कार्य होते रहे, सेवा के कार्य होते रहे, तो आप अपना ही भविष्य उज्जवल कर रहे हो, अपने ही लिए अच्छा भविष्य बना रहे हो, अपना ही कल्याण कर रहे हो, लोगों का भी कल्याण कर रहे हो, क्योंकि ये शरीर के द्वारा हम दो ही प्रकार के काम कर सकते हैं, ये तो बुरे से बुरे काम भी कर सकते हैं शरीर के द्वारा, और अच्छे से अच्छे भी काम कर सकते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि बुरे काम से बचे रहो, बचे रहो, और अच्छे काम को करते रहो, जितना भी संभव हो करते रहो, करते रहो, इसी में बड़ा बड़ा कल्याण है, बड़ा मंगल है। हम एक श्रामनेर शिविर भी इन दिनों लेने का विचार कर रहे हैं। ये श्रामनेर शिविर विशेष रूप से ये सेवानिवृत्त लोगों के लिए लेने का हमारा इरादा है, ज़्यादा नहीं क्योंकि कोरोना का काल है, लेकिन कम से कम लोगों को, कुछ 10-12-15 लोगों को, ज़्यादा नहीं, तो ऐसे लोगों को हम एडमिशन देकर करीब 15 दिन का एक श्रामनेर शिविर लेने का हमारा संकल्प है। हर साल हम लेते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से वो पेंडिंग पेंडिंग होते गया, तो ये शिविर में हम जो एडमिशन देंगे, शिविर की तारीख भी हम घोषित करेंगे, विचार चल रहा है, एडमिशन देंगे जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई हो, जिसने कोरोना का टीका लगाया हो और रिपोर्ट निगेटिव हो, ऐसे ही कुछ लोगों को हम, सीमित लोगों को एडमिशन देकर ये जो श्रामनेर ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो करने का हमारा संकल्प है। तो हम वो जाहिर करेंगे, तारीख भी प्लानिंग चल रहा है। तो ये विशेष रूप से जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सेवानिवृत्त लोग हैं, उन्होंने संकल्प करके कुछ दिन के लिए कि मुझे श्रामनेर बनना है, मुझे ट्रेनिंग लेनी है, कुछ दिन के लिए क्यों न हो, 15 दिन के लिए हो या 1 महीने के लिए हो, ऐसा मन में संकल्प करना चाहिए कि कभी मान लो कि 1 महीना भर में बीमार ही पड़ गया, और बीमार जब पड़ गया, मैं बिछाने पर पड़ा हुआ हूं, दवा ले रहा हूं, तो भी मेरे घर की जिम्मेदारी चल रही, घर तो चल ही रहा है, लड़के बच्चे जो भी है मेरे सगे संबंधी चल ही रहा है सब, मेरे बीमार रहने से मेरा घर चलना बंद नहीं होता है, चल ही रहा है, लड़के बच्चे काम कर ही रहे हैं, लेकिन मैं तो बिछाने पर पड़ा हुआ हूं, 1 महीने तक दवा ले रहा हूं या हॉस्पिटल में हूं, ऐसा समझकर, ऐसा संकल्प करके कुछ हमारे सेवानिवृत्त लोगों ने, जो रिटायर्ड हुए हैं,
ऐसे लोगों ने संकल्प करना चाहिए और इस शिविर में शामिल होना चाहिए, और 15 दिन के बाद या 1 महीने के बाद आप फ्री हो गए, फिर चीवर छोड़ दो, गुरु को वंदन करो और अपने घर अपने गृहस्थी जीवन में चले जाओ, कोई हर्जा नहीं। लेकिन 15 दिन तक या 1 महीने तक ऐसे यदि श्रामनेर ट्रेनिंग में हिस्सा लोगे तो बड़े लाभी बनोगे, बड़ा कल्याण होगा, धम्म का साक्षात्कार होगा, जीवन धन्य हो जाएगा, आपका मंगल हो। हमेशा अच्छे कामों में अनुमोदन देने का प्रयास करें, धम्म के दायक बनने का प्रयास करें, मुझे धम्म का दायक बनने दो। स्वयं हमें निर्णय लेना है, स्वयं मुझे निर्णय लेना है, और सद्धम्म को दान देने वाला मुझे दायक बनने दो, मुझे सद्धम्म की दायिका बनने दो। ऐसा संकल्प करके जीना सीखो, बहुत मंगल होगा आपका। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले। विशेष रूप से अनुमोदन कुशल कार्य के लिए हमेशा दिया करो, भागी बनोगे उस महान पुण्य के, सद्धम्म के महान मंगल मैत्री के लाभी होगे। वो लाभ लेना सीख लो, जानो, उससे वंचित ना रहो। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आपके लड़के बच्चे सभी को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप हमारे यूट्यूब के चैनल पर जरूर जाइए और वहाँ जो हमने बताया है कि माइंड का क्या साइंस है, मन का कैसा साइंस तथागत बुद्ध ने सिखाया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने बताने का प्रयास किया, उसे भी सुनिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि सद्धम्म है। जितनी अच्छी बात शेयर करोगे, जितनी अच्छी बात बांटोगे, वो बढ़ते जाती है, कल्याण होते जाता है। तो इसलिए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और चैनल का नाम है हमारे यूट्यूब पर जाकर अंग्रेजी के स्मॉल अक्षर में लिखिए डॉक्टर भदंत राहुल बोधी। और भी एक बार बता रहे, डॉक्टर DR डॉक्टर भदंत राहुल बोधी। और वहाँ पर आपको बहुत सारी धम्मपद की सीडियाँ क्लिप्स मिलेगी, उसका लाभ लीजिए, लाभ लीजिए। एक बार नहीं, बार बार, बार बार सुनिए। धम्म बार बार सुनने की चीज है, ऐसा नहीं कि एक बार सुन लिया और बैठ गए, ऐसा नहीं। धम्म तो जीवन में उतारने की चीज है, बार बार सुनने की चीज है। जितने बार सुनोगे उतने बार लाभी बनोगे, उतने बार कल्याण होगा आपका, मंगल ही होगा आपका। आप सबका मंगल हो। धम्म की मैत्री, धम्म का पुण्य बल आपको और आपके परिवार को निरंतर मिलता रहे, निरंतर मिलता रहे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।